हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी स्कूल में ऑलमोस्ट फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो होता ही है। सो मेरी इस बेटी के स्कूल में भी रिसेंटली फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। उनको टॉपिक मिला था बर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, तो मैंने चूज किया था उसके लिए ये बर्ड, ये पीकॉक का कॉस्ट्यूम बनाने का। ये YouTube पे आजकल बहुत फेमस है, सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये पीकॉक कॉस्ट्यूम मैंने किस तरह से बनाया ओनली 55 रुपीज के कॉस्ट में। जी हाँ, ओनली 55 रुपीज के कॉस्ट में। मार्केट में अगर आप लेने जाओगे कॉस्ट्यूम ऐसी कोई कंपटीशन के लिए, तो आपको शायद 1500 से नीचे के नहीं मिलेंगे। अगर आप रेंट पे भी लेने जाओगे तो मिनिमम उसका 250 या 300 तो होगा ही, जो और वो कपड़े हम दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते। सो मैंने मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, सो मैंने ये पीकॉक का कॉस्ट्यूम बनाया था मेरी बेटी के लिए। सो उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड पे ये फेटर्स स्टिक किए हैं। ये कार्डबोर्ड है, ये मार्केट में इजीली आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा, या फिर आपके पास हो भी सकता है आपके घर में, उसको भी आप कोई पेपर से कवर कर सकते हैं। सो ये कार्डबोर्ड को पहले मैंने हाफ सर्कल में कट किया मेरी बेटी के हाइट एंड उसके बॉडी के हिसाब से। देन मैंने एक स्टिक किए है, कुछ फेडर्स सा बनाया है, उसके लिए मैंने यूज़ किए है जो मार्केट में मिलते हैं गिफ्ट रैपिंग के पेपर इस टाइप की, उसी को मैंने कट करके यहाँ पे चिपकाया है। आपको देख के लग रहा होगा कि उसमें बहुत मेहनत लगती है, नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही कम टाइम में मैंने बनाया है। सो सबसे पहले मैंने ये कलर यूज़ किया। आपको लगता है कि येलो बाहर होना चाहिए तो भी ठीक है, आप उस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। सो उसके लिए मैंने ये कलर पहले जो लिया है उसको कट करने के लिए भी आपको एक एक फेदर या फिर एक एक पंखुड़ी आप जो बोलोगे उसको सेपरेटली कट नहीं करना पड़ता। इसको मैंने इस टाइप से कट किया है, सो एक ही बार में आपको बहुत सारी फेडर मिलेगी। सो इसको करने के बाद मैंने फिर लिया है ये वाला कलर। ये कलर को भी आप देख सकते हो, इसको भी मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक में आप बहुत सारी पंखुड़ी बना सकते हो। देन ये येलो कलर, देन यहाँ पे एक और है ग्रीन जो इसको यूज़ किया है मैंने। फिर यहाँ पे जो बीच में स्टिक किया है ये वाला जो मार्केट में मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ में मिला था, इसे मैंने बीच में चिपकाया है। देन मैंने सारी पंखुड़ी पहले ये वाली जो थी मैंने कवर कर दी पूरे पे, देन उसके ऊपर ये वाली सारी स्टिक कर दी। देन यू नो ये येलो एंड ग्रीन, फिर उसके ऊपर ये जो बिंदी सा है उसको स्टिक कर दिया। सारा स्टिक करने के बाद मैंने फिर ये बनाया है, ये इलास्टिक से बना है। इलास्टिक जो बच्चों के पुराने कपड़ों से भी मिल सकता है आपको, या फिर मार्केट से भी आप ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारा आपको मिलेगा। उसको स्टिक करने के लिए मतलब उसको पीछे मैंने यूं नोब सा बना के मैंने बांध दिया था, जो ये बाहर ना आ जाए, निकल ना जाए, उसके लिए मैंने बड़ी बड़ी पीछे नोब सी बनाई है। सो ये हो गया उसकी बैक के लिए। फिर उसके सर के लिए मैंने कोई मुंह सा नहीं बनाया था, मैंने सिंपल ये क्राउन के ऊपर ओरिजिनल मोर पंख स्टिक किए थे। मैं पहले सोच रही थी कि मैं पूरा ये जो कार्डबोर्ड ये मैंने जो फेक फेडर्स से बनाया है मैं पूरा ओरिजिनल से बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं मिले ओरिजिनल मोर पंख उतने सारे, सो मैंने इस तरह से बनाया। एंड ये क्राउन पे सिर्फ मुझे 4 मिली, सो मैंने ये क्राउन पे स्टिक कर दी। ये क्राउन आपके पास होगा शायद आपके बच्चों के छोटे जन्माष्टमी पे इस तरह के पहनाते थे, मेरे पास भी ये था। सो उसके ऊपर मैंने ये 4 फेदर स्टिक कर दी। उसके साथ आप ग्रीन कलर का कोई भी कपड़ा, टी शर्ट या फिर लेगिन कुछ भी पहना सकते हो ग्रीन कलर का, या फिर ब्लू भी होगा तो चलेगा। सो सिंपल मैंने ग्रीन फ्रॉक पहनाई थी जो मोर की डिज़ाइन से काफ़ी मिलती जुलती थी, और उसके ऊपर मैंने ये उसको पहनाया था क्राउन एंड ये उसकी बैक पे। सो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही कम टाइम में मैंने ये क्रिएट किया था। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता रेंट वाले कपड़े,
सो मैंने ये घर पे ही बनाया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।